अयोध्या में इन दिनों तेजी के साथ तीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहादतगंज बाईपास से लेकर नया घाट तक रामपथ का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं श्रृंगार हाट बैरियर से लेकर राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ का नाम दिया गया है। इसके अलावा बिरला धर्मशाला मंदिर से लेकर राम जन्मभूमि तक जन्मभूमि पथ का नाम दिया गया है। हालांकि राम भक्तों के लिए जन्मभूमि पथ का संचालन शुरू कर दिया गया है। जन्मभूमि पथ से होकर राम भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले राम भक्त लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर रामलला के दर्शन करते थे, लेकिन अब 500 मीटर पर ही रामलला के दर्शन हो सकेंगे। राम जन्मभूमि पथ को लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, जन्मभूमि पथ पर राम भक्तों के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई सुविधाएं भी दी हैं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाया है, जहां राम भक्त रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकते हैं, रामलला को निधि समर्पण अभियान भी दे सकते हैं। इसके अलावा राम भक्तों के को पीने की पानी, प्रसाधान, बैठने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने जन्मभूमि पथ पर ही किया है।